या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्र विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करेंगे माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा के बारे में। और माँ कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की महिमा। और सबसे पहला सवाल यही कि माँ के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा कैसे पड़ा? पंडित जी, पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि माँ कूष्मांडा को कूष्मांडा क्यों कहा जाता है? जी स्मिता जी, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से दुर्गा की नौ शक्तियाँ हैं, उसी तरह से नौ शक्तियों की चौथी शक्ति माता कूष्मांडा है। जी, कूष्मांडा के विषय में शास्त्र कहता है, कुछ सितः उष्मा कुष्मा त्रिविध ताप युतः संसार स अंडे मांस पश्यामुद रूपायाम यस्या स कूष्मांडा। मतलब ऐसी देवी जिनके उदर में संसार की तीनों प्रकार के ताप उष्मा के रूप में रहते हैं, वो कौन देवी हैं? वो माता कूष्मांडा हैं। या कुष्मा सा उष्मा, मतलब जिनके उदर में संसार का समस्त ताप निवास करता है। देखिए, हर मनुष्य हर प्राणी संसार के तीन तापों से पीड़ित होता है। हमेशा उसे तीन तरह के कष्ट होते हैं, इस शरीर का, मन का और इस संसार का। तो समस्त कष्टों का जो कष्ट है वह माता के उदर में रहता है, वो माता कूष्मांडा है जी। दूसरा कारण सुनिए, माँ को कूष्मांडा इसलिए भी कहा जाता है कि माता अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के कारण ये कूष्मांडा कही गई। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत हास से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनके निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता यदि किसी शक्ति में है तो केवल माता कूष्मांडा में है, इन्हीं शक्ति में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य के समान ही दीप्यमान है और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है, अर्थात अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज का सामना नहीं कर सकता है। इन्हीं की तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों की अवस्थित जो भी तेज है, जो शक्ति है, वो माता कूष्मांडा के कारण ही है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा होता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। इनकी आठ भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, माने ऐसा कलश जिसमें अमृत भरा हुआ है, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सब सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कोहणे को कहा जाता है। और जब पूजा यज्ञ आदि होता है तो यज्ञ के अंतिम दिन पुणाहुति के दिन कुमड़े की बलि दी जाती है, जो बलि सात्विक बलि कही जाती है। और यही बलि माता को अति प्रिय है। और कूष्मांड की बलि प्रिय होने के कारण से भी इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माँ ने ये स्वरूप क्यों धारण किया था? ऐसे हर स्वरूप को धारण करने के पीछे एक उद्देश्य रहा, ये स्वरूप माँ ने क्यों लिया था? देखिए, संसार में जब कोई घटना घटती है उसके पीछे बहुत बड़ा लोकहित छिपा होता है, संसार का कल्याण छिपा होता है। जब संसार में बहुत अधिक तेज व्याप्त हो गया, ऐसा व्याप्त, वो भी कैसा कि जो किसी से बर्दाश्त न हो, किसी के अंदर उसको समाहित करने की शक्ति न रह गई, तब माता दुर्गा ने कूष्मांडा का स्वरूप धारण किया और समस्त संसार के तेज को, समस्त संसार की ऊर्जा को, मतलब सूर्य से भी अधिक ऊर्जा को भी अगर कोई धारण कर सकता है तो माता कूष्मांडा कर सकती हैं। वो भी इन्होंने कहाँ धारण किया? अपने उदर में धारण किया हुआ है संसार की समस्त ऊर्जा को। जी, ये आपने माँ के स्वरूप के बारे में बताया। माँ की पूजा विधि क्या रहेगी? माँ का चौथा स्वरूप है। आपने जैसा कि पिछले दो कार्यक्रमों में बताया कि सबकी सामान्य पूजा विधि होती है, तो क्या माँ कूष्मांडा की भी सामान्य विधि से पूजा की जाएगी या कोई विशेष पूजा विधि होगी? देखिए, सामान्य विधि वही रहेगी। यहाँ एक भेद है कि आप जब पूरी पूजा करने के बाद इन्हें कुम्हड़े की बलि की जाती है, मतलब सफ़ेद रंग का जो कुम्हड़ा होता है उस कुम्हड़े से इन्हें बलि दी जाती है। यह इनकी पूजा का एक विशेष नियम है। बाकी सारी पूजा सेम होगी, मतलब आचमन से लेकर के आरती तक
सारी प्रक्रिया एक होगी। केवल आरती के पहले आपको कुष्मांड की बलि देना आवश्यक हो जाता है यदि आप कुष्मांडा देवी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कुष्मांडा देवी को कुष्मांड ही सबसे अधिक प्रिय है, उसी कारण उनका नाम कुष्मांडा देवी भी है। कुछ लोग नहीं समझते कि कुम्हड़ा क्या होता है, किसे कुम्हड़ा कहा जाता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, कुम्हड़ा उसे कहा जाता है, सफ़ेद कुम्हड़ा। आप देखे होंगे कि ये जो पेठा बनता है सफ़ेद रंग का, तो जिस कुम्हड़े से पेठा बनता है सफ़ेद वाला, उसी को जो है ये सफ़ेद कुम्हड़ा, इसे कुछ लोग रक्सावा भी कहते हैं। तो मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, लेकिन सफ़ेद रंग का जो कुम्हड़ा होता है, पंपकिन समझिए अंग्रेजी में, हाँ सफ़ेद व्हाइट पंपकिन जो है उसका प्रयोग आप करिए, यही कुष्मांड है और इसी की बलि दी जाती है, जो कि सात्विक बलि कही जाती है माता कुष्मांडा को। माँ कुष्मांडा की पूजा करने का कोई विशेष समय होगा? माता कुष्मांडा के पूजन का जो मुख्य समय है वो मध्य का है, मतलब मध्य दोपहर का समय ये माता कुष्मांडा को प्रिय है, क्योंकि ऊर्जा, अब ऊर्जा की बात आती है, तो ऊर्जा सूर्य अपने दिव्यतम शिखर पे कब होता है, मध्य के समय होता है, ठीक 12 बजे, जब सूर्य अपने आधे पथ को चल लेता है, मतलब अरुणोदय से लेकर के मध्य दोपहरी के बेला में जब सूर्य पहुंचते हैं, तो वह माता कुष्मांडा का समय, क्योंकि सूर्य सबसे दीप्तिमान उस समय होते हैं, सबसे ज़्यादा उष्मा उसी समय होती है, तो उष्मा के पूजा के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त समय अगर कोई है तो मध्य दोपहर का समय है। जी, तो क्या है माँ का स्वरूप, कैसा स्वरूप माँ का है, क्यों माँ ने स्वरूप धारण किया, और क्या पूजा विधि, क्या समय पूजन का होगा माँ कुष्मांडा के लिए, तमाम बातें पंडित जी ने आपको बता दी हैं। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि माँ के स्वरूप की पूजा करने से, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले पंडित जी ने आपको माँ के स्वरूप के बारे में बताया, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए वो आपको बताया, पूजा का विशेष समय क्या होगा वो भी पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन माँ के स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, माँ के चौथे स्वरूप की पूजा आराधना से भक्त को क्या प्राप्त होता है, किस फल की प्राप्ति होती है? जी देखिए स्मिता जी, किसी भी देवी की पूजा करने से हर वो चीज़ प्राप्त हो सकती है जो सामने वाला भक्त चाहता है, जो साधक चाहता है, ऐसा कोई बाधता नहीं है कि कोई देवी अमुक चीज़ दे सकती है अमुक चीज़ नहीं दे सकती है, सभी देवियां सभी शक्तियां सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था दी गई है साधना उपासना की, कुछ विभेद किए गए हैं, वह विशेष विशिष्ट कारणों से किए गए हैं कि भाई कोई विशेष चीज़ की अगर कामना हो तो वह केवल विशेष शक्ति ही दे सकती है। जी ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं माता कुष्मांडा क्या दे सकती हैं। अभी तक हमने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के बारे में क्रमशः पिछले 3 दिनों में चर्चा की, आज चौथा दिन है नवरात्र का, तो चौथा दिन कहीं ना कहीं माता कुष्मांडा के लिए है। माता कुष्मांडा का जो स्थान है शरीर में वह अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जब शुद्ध रहता है, अनाहत चक्र जब जागृत रहता है, तो व्यक्ति का मन ठीक होता है, उसका हृदय ठीक होता है और वह स्वस्थ रहता है, और अनाहत चक्र में ही कुष्मांडा शक्ति अवस्थित होती है। अतः नवरात्र के इस चौथे दिन अत्यंत पवित्र और स्थिर मन से माता कुष्मांडा देवी का स्वरूप का ध्यान रखते हुए पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं, इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं, माने कम समय में ही ज़्यादा फल देने वाली हैं। यदि भक्त सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से सारी संसार की वस्तुएं, यहाँ तक कि परम पद की भी प्राप्ति हो सकती है। भक्तों को चाहिए कि शास्त्रों पुराणों में जो वर्णित विधि है, हम इस शो के माध्यम से जो विधि विधान आपको बताते हैं उसके अनुसार माता कुष्मांडा की आप उपासना करें, भक्ति करें,
तथा भक्ति के मार्ग पर अहर्निश लगातार अग्रसर होते रहें और भगवती की सेवा करते रहें। इस मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह माता कुष्मांडा सहज भाव से इस भाव सागर के दुखों से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से मनुष्य को आधियां व्याधियां समस्त प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है माता कुष्मांडा। अतः आप अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहते हैं तो माता कुष्मांडा की उपासना करें, उनकी पूजा करें। खास करके ये जो नवरात्र के 9 दिन हैं इसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग दुर्गा की शक्तियों की उपासना करके आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस संसार में जो कुछ भी आपके लिए अलभ्य है वह भी माता की शक्तियाँ आपके लिए सुगम बना देंगी, आपके लिए प्राप्त कर देंगी। अभी आपने बताया कि अनाहत चक्र को मजबूत करती है माँ की आराधना अगर करें तो। अगर किसी व्यक्ति का अनाहत चक्र खराब है तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति का अनाहत चक्र खराब है और उसे माँ के इस स्वरूप के आशीर्वाद की जरूरत है? अनाहत चक्र जिस भी व्यक्ति का खराब होता है कहीं ना कहीं वह हृदय से बीमारियों से युक्त होता है, उसे हृदय की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात, उसका चंद्रमा भी खराब होता है। चंद्रमा खराब होने से उसे टीबी या जो बीमारी होती है मतलब कीटाणुओं से जन्य जो बीमारी होती है उससे भी वह पीड़ित रहता है। ये दो में से कोई भी ऐसे संकेत हैं तो निश्चित रूप से अनाहत चक्र खराब होने का ये लक्षण है। माँ के स्वरूप की आराधना के लिए भक्त किस विशेष मंत्र को उच्चारित कर सकते हैं जिसके उच्चारण से माँ प्रसन्न हो, और माँ के आह्वान के लिए जो मंत्र जपा जा सकता है क्या मंत्र वो होगा? माँ के लिए सबसे आसान मंत्र है ओम कुष्मांड्यै नमः। माता कुष्मांडा का ही नाम है, इसमें नमः और ओम जोड़ करके आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है और इस मंत्र से माता की विशेष रूप से आराधना पूजा भी की जा सकती है। अभी आपने कहा कि कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है माँ को, तो क्या कह सकते हैं कि माँ को कुम्हड़ा प्रिय है? बिल्कुल, माता को कुम्हड़ा ही प्रिय है। और कुम्हड़ा की बलि, देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं लोग कालांतर में जाकर के भ्रम में आ गए या जो भी स्थिति रही उसके विषय में मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक बलि की बात की गई है। जब भी शक्ति की उपासना की जाती है तो सात्विक बलि दी जाती है। सात्विक बलि मतलब फलों की। देखिए एक तो नारियल की बलि दी जाती है, जब भी कोई शुभ काम करते हैं हम नारियल तोड़ते हैं, श्रीफल एक मतलब जो है सात्विक बलि के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा कुष्मांड का बलि, कुष्मांड की बलि भी माता कुष्मांडा को दी जाती है, यह भी एक फल के रूप में ही है। इसमें कहीं भी किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की बात हमारा शास्त्र नहीं कहता। तो पंडित जी ने आपको बताया कि माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करने से अनाहत चक्र मजबूत होता है। अगर आपको कोई हृदय संबंधी बीमारी है तो माँ के स्वरूप का आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आप क्या माँ को अर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की महिमा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राशि अनुसार आप क्या माँ को अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार माँ के चौथे स्वरूप को भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए वो भी बताएं। जी बिल्कुल, नवरात्र के चौथे दिन मतलब माता कुष्मांडा के दिन एक बात तो सभी दर्शक नोट कर लें कि माता कुष्मांडा को कुष्मांडा आपको अवश्य चढ़ाना है। चाहे आप मेष राशि के हों, चाहे वृषभ राशि के, चाहे मिथुन, चाहे कर्क, चाहे मीन, जिस भी राशि के आप हैं, आपको माता को कुष्मांडा तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। अलग से क्या चढ़ाना है वो बता देता हूँ आपके राशि अनुसार। माँ के चौथे दिन आप उसे नोट कर लें और उन चीज़ों का प्रयोग अपने कल्याण के लिए आप अवश्य करें, वो चीज़ें माता को समर्पित करें। तो सबसे पहले मंगल की राशियाँ मतलब मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, ये दो राशि के लोग माता को गुड़ और घी नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। दूसरी राशि वृषभ राशि और सातवीं राशि
तुला राशि, ये दो राशियां शुक्र की राशियां हैं। वृषभ राशि के लोग और तुला राशि के लोग माता को घी समर्पित करें। घी हो सके तो चांदी के पात्र में, यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो सामान्य स्टील के पात्र में ही आप घी नैवेद्य के रूप में माता को आपको समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं तीसरी राशि और छठवीं राशि, मिथुन और कन्या राशि, मतलब बुध की अपनी राशियाँ। आप माता कुष्मांडा को गन्ना समर्पित करें, संभव हो तो गन्ने का रस या गन्ना ही ले आकर के आप समर्पित कर सकते हैं, उसे आप नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी राशि, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि। कहीं न कहीं चंद्रमा के लिए माता कुष्मांडा का प्रयोग बढ़ जाता है, कहीं न कहीं उनसे इसका लगाव ज़्यादा, क्योंकि शक्तियों का सीधा लगाव चंद्रमा से होता है। आप ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए दूध की पकवान अर्पित करनी चाहिए। आप दूध से बना हुआ कोई भी मीठा पदार्थ या कुछ नहीं है तो दूध में थोड़ी सी शर्करा डाल करके माता के श्री चरणों में निवेदित करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि के लोग माता भगवती को एक तो गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, दूसरी चीज भोग में गुड़ अर्पित करें। ये दो चीज करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं नवमी राशि, धनु राशि। धनु, इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि, मतलब इसकी अपनी ही एक और राशि मीन। धनु और मीन जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, आप माता कुष्मांडा को भोग में, नैवेद्य में केला समर्पित करें। केले के साथ साथ हो सके तो हल्दी की 5 गांठें भी माता के श्री चरणों पर समर्पित कर दें। इसके साथ साथ आप माता से अपने कल्याण की प्रार्थना करें, अपने अंदर तप, वैराग्य और अपने मन की शुद्धि, चित्त की वृत्ति की स्थिरता की कामना करें। माता जरूर आपकी सुनेंगी और आपका कल्याण करेंगी। बात करते हैं शनि की राशि। शनि की राशि मतलब मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि और कुंभ राशि के लोग शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तो सफ़ेद कोहने की बलि देनी चाहिए माता को। बलि कैसे देनी है, माता के सामने एक चौकी का आसन बनाइए, उसके ऊपर सफ़ेद कोहना रख दीजिए, उसके पश्चात चाकू से आप उस पर सीधे चाकू से वार करना है, न कि खड़े चाकू से, सीधे चाकू से बोलिए हूँ फट, ऐसा कहते हुए प्रहार करिए और वह टुकड़े में पड़ जाएगा। दो टुकड़ों को आप अलग अलग करने के पश्चात उन दो टुकड़ों से आप 10 टुकड़े बनाइए और 10 टुकड़े माता को समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात माता से अपने कल्याण की प्रार्थना करिए। ये आपको उपाय अवश्य करना है नवरात्र के चौथे दिन। इसके अलावा आप माता को नीले रंग के फूल समर्पित करें। नीले रंग के फूल के साथ साथ यदि उपलब्ध हो तो काले रंग की गुलाब जामुन का भोग भी लगाएं। इसके साथ साथ जब आप पूजन प्रक्रिया आरंभ करें, पूजन प्रक्रिया आरंभ के दौरान जब माता को आप स्नान कराएं तो गुलाब जल डाल करके उस जल से माता को स्नान कराएं। इसके साथ साथ माता को थोड़ा सा सुगंधित इत्र भी आपको चढ़ाना आवश्यक है। ये सारे उपाय आप करें, निश्चित रूप से मकर व कुंभ राशि के लोग यदि ये उपाय करते हैं तो माता कुष्मांडा की कृपा होगी और माता कुष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सभी मनोकामना आपकी माता कुष्मांडा पूर्ण करेंगी। एक विशेष बात, माता कुष्मांडा हो, माता चंद्रघंटा हो, माता सिद्धिदात्री हो, महागौरी हो, जितनी भी नव दुर्गा की नौ शक्तियां हैं, सबका स्वरूप एक है, सबका काम एक है, अपने भक्तों का कल्याण करना, संसार की आसुरिक शक्तियों से रक्षा करना। लेकिन उसके लिए आवश्यक है साधक का, भक्त का अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का होना, विश्वास का होना। इसलिए कुछ भी करिए उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में अपने इष्ट के प्रति अपार स्नेह होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका इष्ट आपसे प्रसन्न होगा। और माता तो सद्यः कृपा करने वाली हैं, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो राशियों के मुताबिक आपको माँ के चौथे स्वरूप को क्या अर्पित करना है पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है कि आपको माँ को कुम्हड़ा अवश्य अर्पित करना है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में, बताएंगे माँ के स्वरूप की महिमा के बारे में, साथ ही बताएंगे कि माँ के स्वरूप की पूजा करने से आपको किस विशेष फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता की।